पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बीते दिनों कहा था कि अगला चुनाव भाजपा के चेहरे पर लड़ना चाहिए। इस बयान से राजनीति गलियारे में खलबली मच गई थी, लेकिन अब अश्विनी चौबे सीधे तौर पर जदयू को साइडलाइन करते नजर नहीं आ रहे। अब अश्विनी चौबे ने कहा कि 2025 में फिर से भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। भाजपा पूरी कर्मठता के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीए में ऑल इज वेल है। भाजपा संगठन तो है ही, लेकिन भाजपा और जदयू का पुराना नाता है। भाजपा जितना मजबूत होगा एनडीए उतना मजबूत होगा। वहीं लालू यादव द्वारा अगस्त में सत्ता गिरने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि लालू जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का कोई पद वैकेंट नहीं है, वो अब जीवन में कभी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, वो पुत्र के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको वियोग झेलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसे है, उनको बराबर सत्ता दिखाई पड़ता है और उनको मालूम नहीं कि वो अब जीवन में कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं, और वो पुत्र के लिए जो पुत्र के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको ये वियोग झेलना पड़ेगा अभी लंबे अरसे तक। मैं वही कहा ना, लंबे अरसे तक कहीं दूर से भी मुख्यमंत्री का पद वैकेंट नहीं है, और उनके लिए तो नहीं। क्या होने जा रहा है 25 में? 25 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, और उसमें कहीं दो मत नहीं है। पूरी तरह से लालू जी निश्चिंत रहे, एनडीए चुन करके आने वाली है 2025 में। भारतीय जनता पार्टी पूरी कर्मठता के साथ चुनाव लड़ने जा। एक तरफ जहां गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल अपने बड़बोले अंदाज में लोगों पर टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के मंत्री नीरज बबलू ने उन्हें करारा जुबानी प्रहार करते हुए मानसिक बीमार बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल को सोशल मीडिया पर रहने का नशा है, वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बात करूं? उन पर नीतीश कुमार की निगाहें हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, समय पर उन्हें जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भागलपुर पहुंचे भाजपा मंत्री नीरज बबलू ने बाढ़ से बचाव को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। कुछ लोग बरबोले होते हैं, और मुझे लगता है कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, वो भी यहाँ के स्थानीय हैं, हमेशा आपको मिर्च मसाला देते रहते हैं, बहुत ज्यादा इस पे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को आदत होता है, भाई मीडिया में कैसे है, एक दो बार जब लोग मीडिया में आ जाते हैं ना, तो उसको उनको नशा हो जाता है। अरे ये मीडिया, सोशल मीडिया पर देखिए पोस्ट डालते हैं, लोग लाइक करता है, अरे और लाइक कैसे बढ़ेगा। ये लाइक बढ़ाने का तरीका है मीडिया में रहने का, अनाप शनाप बोलने का। माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, देखिए कटाव का जो समस्या है, जब जब बाढ़ आती है, पानी का लेवल, वाटर लेवल बढ़ता है तो कटाव होता है, फिर पानी जब घटता है उस समय कटाव होता है, तो कटाव होता है तो उसका समाधान होगा, उसके लिए प्रोडक्शन वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जहां भी इस तरह की समस्या आती है, जहां से शिकायत मिलता है, वहां प्रोडक्शन का काम होते रहता है, विभाग हमेशा काम करते रहते हैं, फ्लड फाइटिंग, एंटी इरोजन, ये सब काम होते रहता है। तो मुझे लगता है जहां भी इस तरह गड़बड़ी होता है उसका उपाय हो रहा है। 5 जुलाई को सबौर थाना अंतर्गत मसाहड़ू में कहलगांव एनटीपीसी से पिकअप गाड़ी पर आम लोड कर समस्तीपुर जा रहे वाहन चालक एवं वाहन मालिक को 3-4 अपराधियों के द्वारा लूटपाट करने के दौरान चाकू से हमला कर दिया गया था। इसके बाद वाहन चालक और वाहन मालिक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा वाहन मालिक को मृत घोषित कर दिया गया था। इस घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर गठित टीम के द्वारा इस मामले का उद्भेदन करते हुए 48 घंटे के अंदर 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से घटना में प्रयुक्त चाकू समेत 3 मोबाइल को भी बरामद किया गया। इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर की CTSP श्री राज ने बताया कि घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है, और इस घटना के उद्भेदन में शामिल पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सबौर थाना अंतर्गत रात्रि में एक पिकअप जिस पर आम लोड कर समस्तीपुर जा रहा था, जो कहलगांव से होकर आ रहा था, इस पर जो है कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा छीन छोड़ के क्रम में वाहन मालिक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में ड्राइवर के द्वारा बयान पर FIR दर्ज किया गया, जो कि 250-24 केस नंबर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित किया गया, और 48 घंटे के अंदर में इस पूरे मामले का सफल उद्भेदन किया गया है, जिसमें कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जो कि विनोद मंडल,
पिता सुखाड़ी मंडल, क्योंकि ममलखा, दूसरा आशीष कुमार पिता सत्यनारायण पासवान, तीसरा राहुल कुमार पिता प्रमोद मंडल, ये तीनों सबौर थाना के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में भी इस पूरे घटना का उल्लेख किया है और अन्य दो साथियों का भी नाम बताया है जिस पर वीडियो छापेमारी की जा रही है। इसमें पूरे मामले में 3 मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त चाकू है उसको भी बरामद किया गया है तथा खून लगा इन अपराधियों के कपड़ों को भी बरामद कर लिया गया है। सभी ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर में यह अज्ञात मामला को सफल उद्भेदन किया गया है। इस पूरे टीम को इतने अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। तेज रफ्तार स्कूली वाहन की चपेट में आने से एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला सुखसीमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सुखसीमा देवी सब्जी खरीदने अपने घर कुतुबगंज मोहल्ले से सब्जी मंडी आ रही थी। इसी बीच लोहिया पुल के पास सड़क क्रॉस कर रही थी। इस बीच निजी स्कूल का बस तेज रफ्तार से जा रहा था, उसी की चपेट में आने से वृद्ध महिला के पैर पर बस का चक्का चढ़ गया जिससे महिला घायल हो गई। आनन फानन में मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्रारंभिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेजा गया। हालांकि बस और बस का ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। कहां पर धक्का मारा? पुल के पास। कौन गाड़ी ने धक्का मारा? की नाम छो तो? अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार द्वारा भागलपुर वन प्रमंडल के तहत 75वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नाथनगर के CTS कैंपस में आयोजित किया गया। इस 75वें वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आयुक्त भागलपुर प्रमंडल विवेकानंद, भागलपुर वन प्रमंडल के पदाधिकारी, CTS के प्राचार्य के अलावे सैकड़ों प्रशिक्षण लेने वाले जवान मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने IIIT में भी वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर पौधारोपण किया। वहीं अधिकारी ने वन महोत्सव पर लोगों को पर्यावरण से जुड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, परिवार में जितने सदस्य हैं उनके नाम, बेटियों के नाम, बुजुर्गों के नाम पेड़ जरूर लगाएं। साथ उन्होंने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर पेड़ लगाएं और जो पेड़ लगे उसे सुरक्षित भी रखें, उनकी रक्षा भी करें। वहीं भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त विवेकानंद ने कहा, पूरे विश्व में 24% वन बचे हैं जहां की 33% होने चाहिए। सबको आगे आने की अपील करते उन्होंने कहा कि हमें आज के दिन संकल्प लेना चाहिए और सबों को अपने नाम से पेड़ लगाना चाहिए, साथ ही पेड़ों की
इच्छा करनी चाहिए, तभी हम जलवायु परिवर्तन से लड़ सकेंगे। के अवसर पर यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, और जैसा कि आप जानते हैं कि वनों का क्षेत्रफल घट करके 24% तक सीमित हो गया, जबकि यह मिनिमम 33% होना चाहिए, तो इसकी महत्ता इसी से स्पष्ट है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसमें सभी को भाग लेना होगा, सबको आगे आना होगा। हर घर में हर आदमी एक एक पेड़ यदि लगा ले, यह गांठ बांध कर ये कर ले कि इस पेड़ को हमें बचा करके रखना है, तो निश्चित रूप से हम काफ़ी दूरी तय कर पाएंगे। और आज यही संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का समय है, ताकि जिन असमानता जलवायु की जिन असमानताओं का आज हम सामना कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य के लिए वह हमें और अपने आने वाले बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य दे सकते। इसमें मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हम उनके नाम पे पेड़ तो लगाएं, और जब भी उनका एक बर्थडे जब भी उनका बर्थडे हो तो उस बर्थडे पे भी हम पेड़ लगाएं। खास करके हम समस्त बेटियों के नाम पे हम पेड़ लगाना चाहते हैं, क्योंकि बेटियां तो हमारे घर से बाहर चली जाती हैं, लेकिन उसकी छाया, पेड़ की छाया, पेड़ का फल उस बेटी का हमेशा हमें याद दिलाता रहे। साथ ही उन बुज़ुर्गों के नाम पे हम पेड़ लगाना चाहते हैं कि एक समय में सबको दुनिया से जाना है, यदि वो चले भी जाए दुनिया से तो उसका फल से हमें उस पुरखों की याद रहे, और इस याद को हम लोग संजोएं। और आप जानते हैं कि वन का प्रतिशत खास करके बिहार में बढ़ाए जाने की बहुत आवश्यकता है, और हमारा वन प्रतिशत विभाजन के बाद बिहार का काफ़ी कम गया है, और हम लोगों ने मेहनत भी किया है, तो वन हम लोग लगाएँ भी, पेड़ लगाएँ भी, और पेड़ की रक्षा करें, और एक एक पेड़ का एक एक व्यक्ति जवाबदेही ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस पेड़ को हमें जिंदा रखना है, इस पेड़ को हमें फ्लरिश कराना है। आगामी 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा कई मुद्दों पर बैठक की जा रही है। वहीं भागलपुर सदर, नौगछिया, कहलगांव, बांका, मुंगेर में लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने केस का निष्पादन करें, इसको लेकर आज जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ को रवाना करते हुए भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे सीजीएम आरएम जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर शाखा के सचिव ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित तो इसको लेकर आज पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया, और लोगों से आग्रह किया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने वादों का निष्पादन कराएं, जो बिल्कुल निशुल्क किया जाता है। आई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, और इसको हमें अधिक से अधिक सफल बनाना है। और आज हरी झंडी ग्रामीण दक्षिण ग्रामीण बैंक द्वारा जो है हरी झंडी दिखाई गई है, जिससे माइकिंग सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के केस जो है डिस्पोजल होगा। आज कार्यक्रम के दौरान हमारे माननीय जिला सत्र न्यायाधीश एडीजे साहब, सीजीएम साहब और आरएम साहब और मैं डीएलएससी सेक्रेटरी खुद यहाँ मौजूद होकर गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर सुल्तानगंज में सदर एसडीओ धनंजय कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उपसभापति नीलम देवी, डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, सीओ रवि कुमार, बीडीओ संजीव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार उपस्थित थे। बैठक में सभी राजनीतिक संगठन के लोग, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच सहित शहर के गणमान्य लोग एवं विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए श्रावणी मेला से संबंधित हो रही समस्याओं के बारे में अवगत होते हुए सारी समस्या का निदान श्रावण माह से पूर्व कर लेने की बात कही गई। एसडीओ धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला को लेकर बैठक की गई है। बैठक में जर्जर सड़क की मरम्मति के लिए 15 जुलाई का डेडलाइन सड़क के पदाधिकारियों को दिया गया है, और अजगविनाथ मंदिर में सावन में सोमवार के दिन अधिक भीड़ होने की स्थिति पर उसकी नियंत्रण की तैयारी की जा रही है। साथ ही कहा गंगा घाट में बिहार सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अगर कोई दुकानदार बिहार सरकार की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान खोल गया तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी वार्ड पार्षद हैं, जो भी मुखिया जी लोग हैं, साथ ही साथ स्थानीय जो भी यहाँ पे गुरुजन हैं, उनके साथ बैठक की और विभिन्न चीज़ों पे चर्चाएं हुई। उनके द्वारा जो भी इनपुट्स दिए गए हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, और इससे हम लोग को भी मेले को शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक आयोजन कराने में मदद मिलेगी। मुख्य रूप से रूट को लेके लोगों में एक अप्रिहेंशन है, और हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो कुछ लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, और इसके अलावा कांवरियों को और क्या विशेष व्यवस्थाएँ
करवाई जाएगी, उस पर भी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। सर, शाहपुर रोड की जो है मुख्य रोड जो बास्की नाम जाती है वो जर्जर स्थिति में है। हाँ, हम लोग को भी जानकारी में है, उसमें आरईओ डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है कि 15 तारीख से पहले तक उसको मोटरेबल कर दें और डीएम सर के माध्यम से उनको दिशा निर्देश भी निर्गत कर दिया। सर, थाना चट्टी में इन लोगों से डिटेल वर्क प्रोग्राम मांगा गया है, चूँकि अब पीक्यूसी करने का तो समय नहीं है, लेकिन उनके द्वारा डीएलसी किया जाएगा और जो जहाँ भी फ्लैंक्स है, जहाँ भी हाफ रोड है, उसको भी फिल करके हम लोग मोटरेबल करके रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट होने की भी संभावना ना रहे। सर, पिछले बार 2 वर्ष का मेला था, इस बार एक वर्ष का है, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, हाथरस की घटना को देखते हुए इस बार क्या कुछ बदलाव जिला प्रशासन करने का? अच्छा आपने पूछा, हम लोग एंट्री और एग्जिट सेपरेट रख रहे हैं इस बार, क्योंकि हाथरस की घटना को ध्यान में रखते हुए। आप लोगों को पता है कि एक पर्याप्त संख्या जो कि लगभग लाखों की संख्या हो जाती है प्रत्येक दिन लोगों का आना जाना होता है, और चूंकि रास्ता जो है एक ही रास्ता है, तो हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि एक अलग एंट्री और एक अलग एग्जिट हो, जिससे कांवरियों को भी सहूलियत मिलेगी और स्थानीय लोगों का इसमें विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी और प्रशासनिक तौर पर जो इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ करनी होगी हम लोग। भागलपुर के डीएसएच ऑफिस में संविदा पर बहाल एएनएम ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकर्मी एएनएम का कहना है कि हम लोगों को संविदा पर नियुक्त किया गया था, लेकिन 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों के वेतन में वृद्धि नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकर्मी एएनएम वर्षा कुमारी का कहना था कि हम लोगों को कहा जाता है एडवांस उपस्थिति आप लोग दर्ज करवाइए, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग किसी भी हालत में एडवांस उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, साथ ही जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग पैसे देना तभी करेंगे जब हम लोगों को नियमित किया जाएगा और एचएससी में सारी सुविधा दी जाएगी। कौन दबाव बनाता है फेक अटेंडेंस? आया ऊपर से कि नहीं, हम लोग फेक अटेंडेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए करवाइए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए और एचएससी में सारी सुविधा दी जाए, उसके बाद ही फेक अटेंडेंस। कहाँ पर आप लोग कार्यरत है? हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद गांव में परिवार के ही लोगों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना डायल 112 को दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल महिला सोनी देवी को इलाज के लिए रेफर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने गंभीर देख उन्हें मायागंज रेफर कर दिया। मामले में घायल पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति संजीव झा दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। मुझे 4 बच्चे हैं, मस्जिद गांव मेरा घर है, घर में बच्चों के साथ रहती हूँ, जहां हमारी गोतनी नीलम झा, दूसरी गोतनी पूजा झा, जो पड़ोस के रहने वाले युवक को घर में बैठकर शराब सेवन करवाती है, और अपनी गोतनी के कहने पर गोतनी नीलम देवी, दूसरी गोतनी पूजा देवी, भैंसुर सोहन झा, इनकी बेटी कुसुम कुमार, कामना कुमारी, उनका पक्ष लेते हुए हमारे साथ लोहे का रड ईटा फेंक कर मारपीट किया। घटना की जानकारी पुलिस को देने के बाद रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर देख मायागंज रेफर कर दिया। मामले को लेकर थाने में लिखित आवेदन दिया गया है, जिसके 14 दिन बीत चुके हैं, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले को देखते हुए घटना की छानबीन में जुटी हुई है। मेरे साथ मारपीट की है, मेरे जेठानी मारी है, जेठ मारे हैं। 22 तारीख को उन्होंने बुला के बगल का पड़ोस का यादव को ड्रिंक करवा रहे थे, भद्दा भद्दा कॉमेंट कर रहे थे मेरे साथ। उसके साथ करते करते मेरे साथ किए, हम बोले 22 तारीख को कुछ नहीं की, उन लोग उसको जाने, 27 तारीख को हमको मारी, मार के पूरा बेहोश कर दी। कौन कौन मारा? नीलम झा, पूजा देवी, सोहन झा, उसके बाद कुसुम कुमारी, कामना कुमारी, पूरा हमको मार के बेहोश कर दी थी। मेरी बेटी गई वहाँ बगल वाली बड़ी मम्मी को बुला के लाई, उन्होंने पानी उनी छिट के हमको बेहोश कर दिया था, तो होश में लाई वो। उसके बाद हम उसी का फ़ोन से 112 पे फ़ोन किए हैं, तो 112 हमको वहाँ से लेकर आए, थाना पे भी छोड़े हैं, और थाना से भी 112 ही हमको ब्लॉक अस्पताल में छोड़े, अस्पताल से हमको रेफर कर दिया गया मायागंज से हम आए थे, यहाँ थाना में आवेदन वगैरह दिए हैं सर के पास, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। ये दिन बीत गया, 23 तारीख को ही दिए हैं, 14 दिन हो गए हैं आज, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो लोग क्या धमकी देता है? वो लोग धमकी देता है। क्या करता है? अगर आगे कुछ करेगी तो और मार ही, जब जाएंगे वहाँ थाना जाना ही है जेल, तो मार देंगे तुमको, तभी जाएंगे।